नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं WorkerVoice.in। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अगर आप में से किसी की नौकरी गई है तो सरकार ने अटल बीमा पेंशन योजना जो है उसके स्कीम में कुछ बदलाव किया है और उसके तहत आपको राहत दिया गया है। अगर आप चाहें तो अप्लाई करेंगे तो आपको 3 महीने तक जो है आपकी जो सैलरी है उसका 50% आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और इसके लिए क्या नियम है और किन किन लोगों को ये मिल सकता है, किन लोगों को नहीं मिल सकता है और कौन से लोग हैं जो गलती से भूल करके भी इसमें अप्लाई नहीं करें, इन सभी बातों की जानकारी लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो इस पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस स्कीम का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और ये जो स्कीम है वो ESIC के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 18/8/2018 को इसकी मंजूरी जो संतोष गंगवार जी हैं श्रम मंत्री, उन्होंने दिया था। उसके रूल के हिसाब से 24 महीने तक जो आपका 25% जो सैलरी है, कुछ कंडीशन में दिया जाता था, जैसे कि आपको रोजगार छूट गई है या फिर चोट लग गया है या फिर कोई विकलांग हो गए हैं, तो ये नियम था। केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में कुछ बदलाव किए हैं और इसके तहत 24 मार्च 2020 से लेकर के 31/12/2020 के बीच में अगर आपकी नौकरी गई है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन इसके लिए और भी कई शर्तें तय की गई है। पहले जहां तक नियम था 25% आपको सैलरी मिलता था और अभी 90 दिनों के लिए कर दिया गया है, यानी कि पहले 2 साल का नियम था और अभी 90 दिन के लिए किया गया है, लेकिन अब आपको 50% मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ESI में आप इनरोल होने चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होने चाहिए। ESI का जो कार्ड आपको हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मिलता है वो कार्ड होना चाहिए और इसके साथ ही आपका पीछे मतलब जो एम्प्लॉयर है, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे कम से कम पिछला 2 साल का आपका कंट्रीब्यूशन हर माह जमा होना चाहिए। इसके साथ ही जो कंट्रीब्यूशन है कम से कम 78 दिन का जमा होगा, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। इसके साथ ही इसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब ESI डाटाबेस के साथ आपका आधार कार्ड लिंक हो और उस आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आपके बैंक में ही जाएंगे। और आपको बता दूं कि पहले के जो नियम था उसके हिसाब से क्या होता था, जब आप अप्लाई करते थे तो 90 दिनों के बाद मिलता था, लेकिन अभी सरकार ने नियम चेंज किया है और कहा गया है कि जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपका जो अमाउंट है आना शुरू हो जाएगा। पहले जहां तक रूल था कि आपको दावा के लिए एम्प्लॉयर के थ्रू जाना पड़ता था, यानी कि एम्प्लॉयर आपका फॉरवर्डिंग करता था, लेकिन अब क्या है, जो आपका शाखा है यानी कि ब्रांच है ESI का, वहां पे डायरेक्ट आपको दावा करना होगा। जो मैं आपको फॉर्म बताऊँगा उसको भर करके जमा करना होगा और आपके ESI के डाटाबेस से, आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में आपका ऑटोमेटिक 30 दिन के अंदर अंदर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो वो हो गया कि जिस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं आपको मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जिसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप इसके लिए अप्लाई नहीं करें, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और अभी मैं बता दूं कि वो कौन कौन सी परिस्थिति है जिसके दौरान आपको नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहला, अगर आप हड़ताल पे हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी हड़ताल पे गए हैं और उस हड़ताल को जो सक्षम अधिकारी है, होता है कि लेबर कमिश्नर होता है, और उसने क्या किया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद तीसरा जो है, आप रोजगार से खुद अनुपस्थित रह रहे हैं, मतलब अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ करके चले गए हैं। अब यहाँ पे जैसा कि एक हमारा वीडियो था टर्मिनेशन लेटर के बारे में, तो अगर आपने उसके बारे में नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके टर्मिनेशन का लेटर का महत्व समझ सकते हैं। तो यहाँ भी आपको टर्मिनेशन लेटर की बात आई है कि अगर आप स्वेच्छा से छोड़ करके चले जाते हैं या फिर कंपनी ने आपको कह दिया कल से मत आओ, तो आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं कि भाई हमको नौकरी से निकाला गया है, जैसा कि मुझे लगता है। इसके अलावा आपने VRS लिया है, यानी कि शैक्षणिक सेवानिवृत्ति ली है, या फिर समय से पहले आपने सेवानिवृत्ति ले ली है, तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसका तीसरा नंबर है, अगर आपका 2 साल से कम का कंट्रीब्यूशन जमा है रिकॉर्ड में, तब भी आपको ये नहीं मिलेगा। चौथा, आपकी जो एज है वो 60 साल से ऊपर हो चुकी है, तब भी आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं। और पाँचवा जो है, अगर आपने ईएसआई के सामने कोई भी डिक्लेरेशन दिया है और वो गलत प्रूफ हो गया है और आप इसके दोषी पाए जाते हैं, तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और पाँचवा, अगर कंपनी ने आपको डिसमिस कर दिया है या फिर आपके ऊपर कंपनी के द्वारा कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो, यानी कि आपने कुछ मिसकंडक्ट वगैरह किया है, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट कर दिया, आजकल क्या करते हैं ऐसे ही टर्मिनेशन लेटर भी दे देते हैं और कह देते हैं कल से मत आना। लेकिन कल से मत आना, उसमें आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपको टर्मिनेट किया गया, क्योंकि जैसे ही आप दावा करेंगे तो हो सकता है आपको ना मिले। वो कह देंगे कि भाई ये तो खुद अनुपस्थित है, रिकॉर्ड में ये दिखा रहा है, ये कल से आ ही नहीं रहा हमारे ऑफिस। तो जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताया, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको नहीं मिले। इसके बाद आपका सवाल आता है कि हमें कितना रकम मिलेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने ब्लॉग पर बताया है, तो इसके लिए आप हमारे ब्लॉग WorkerVoice.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने पोस्ट को पूरी डिटेल में लिखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसी लिंक में आपको जो फॉर्म है वो भी मिल जाएगा, और फॉर्म को आपको कहाँ जमा करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा फॉर्म को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा सर्कुलर है 14/12/2018 का, लेकिन इसमें कुछ रूल चेंज किए हुए हैं, जो कि पहले से नियम है 25% का और अभी 50% किया गया है। और हज़ार 2019 को अगर आपको नौकरी से निकाला गया है, तो इस तरह का आपका कैलकुलेशन होगा। 6-6 महीने का आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का डेज दिया हुआ है, कितने डेज का कितना आपका वेज था दिया हुआ है, और क्या इसका कैलकुलेशन होगा। इस तरह से आप निकाल करके खुद भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको निकालेंगे। इसी फॉर्म के पेज नंबर 7 पर आएँगे तो आपको ये फॉर्म दिखेगा, जिसपे आपको 20 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। इस पर आपको स्टाम्प लगवा करके कोर्ट से और जमा करना होगा इसके साथ, और अपने क्लेम को जो आपका ब्रांच है वहाँ पे जमा करना होगा, टू द मैनेजर ब्रांच ऑफिस, यानी कि ईएसआई का जो ब्रांच ऑफिस होता है वहाँ पे इस फॉर्म को भर करके आपको जमा करना है। तो इसको जैसे ही जमा करेंगे तो सरकार के द्वारा जो दावा किया गया है कि 30 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो आना शुरू हो जाएगा, और 3 महीने तक, यानी कि 90 दिन बताया हुआ है, तो 3 महीने तक आया, हो सकता है महीना महीना करके आपको आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं करें, तो अगर आपने अपने टर्मिनेशन को संबंधित लेबर कोर्ट या फिर लेबर कमीशन ऑफिस में चुनौती दिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि क्या होता है, जब भी आप अपने टर्मिनेशन को चुनौती देते हैं तो आप खुद को टर्मिनेट नहीं मानते हैं, नौकरी पे मानते हैं, और उसी के हिसाब से आपका केस चलता है। कल को अगर आप जीतते हैं तो पीछे फुल बैक बेसिस की मांग करते हैं, और कई कंडीशन में कोर्ट के द्वारा फुल बैक बेसिस का ऑर्डर दिया जाता है आपको नौकरी पे मानते हुए। अगर आपका टर्मिनेशन इलीगल हुआ तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और इसको ले लेते हैं, तो कल को हो सकता है आपके केस में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं ये जानकारी आपसे शेयर करना चाहा। और जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म को कैसे भरेंगे, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा फॉर्म के एक एक कॉलम में क्या भरना है वो आगे मैं आपको इसको बता सकूं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।